इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जी हां, यही हालात हैं पूरे यूक्रेन के, यही हालात हैं इस वक्त कीव के भी, क्योंकि कीव से अब महज 10 किलोमीटर की दूरी पर रूस की सेना है। यूक्रेन के दो शहरों में एयर अटैक का सायरन बज उठा है। कीव और लीव में अभी सायरन बजा है। तस्वीरें हम आपको वहां की भी दिखाएंगे, किस तरीके से हूटर्स बज रहे हैं। आप जरा देखिए पहले एक तस्वीर। मैदान जंग से आई हुई सबसे नई तस्वीर, ये लेटेस्ट तस्वीर आप देख रहे हैं। और जरा आप इस बात का अंदाजा लगाएं, इस वक्त आप घरों में जब इंडिया टीवी पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये सायरन सुन रहे हैं, तो कितनी दहशत होती है। और सोचिए वो तमाम लोग जो इस वक्त यूक्रेन के कीव और लीव शहर में हैं, इन इमारतों में शायद अपने घर में दुबके हुए होंगे, जो शायद अंडरग्राउंड शेल्टर्स में शरण लिए हुए होंगे, मेट्रो स्टेशन में शरण लिए हुए होंगे, उनके दिलों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी। आप जरा उन स्थानीय नागरिकों के बारे में सोचिए, ये युद्ध का सायरन है, कभी भी हमला हो सकता है, उससे पहले की ये चेतावनी है कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। एक बार फिर से आप देखिए और सुनिए, ये बड़ी खबर भी आपको हम बता देते हैं क्या आ रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कीव में फिर से कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक 3 नए धमाके सुनाए गए हैं अलग अलग इलाकों में कीव के, और मिसाइल अटैक से सिर्फ आपको बता दें 10 किलोमीटर की दूरी पर सेना मौजूद है रूस की, और 30 किलोमीटर की दूरी पर हम जो बता रहे हैं, जो अभी करीब 25 से 20 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, एक पूरा का पूरा बड़ा सैन्य दल पहुंच रहा है रूस का, जो किसी भी वक्त कीव में एंटर कर सकता है। और आप जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, इससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से पूरे इलाके में अलग अलग आसमान में आपको जो तेज रोशनी नजर आ रही है, ये मिसाइल जो दागे जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल दागे जा रहे हैं रूस की ओर से, और साथ ही यहां पर आपको बताएं यूक्रेन की ओर से जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहां पर उन मिसाइलों को आसमान में इंटरसेप्ट कर रहा है। और सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग की तस्वीर है, आपको बताएं अगर यहां पर 10:30 बज रहे हैं तो वहां पर अभी करीब 8-8:30 बज रहे होंगे, और ये सुबह 4:30 बजे की तस्वीर है। अभी हमें ये अपडेट दिया गया है, सुबह 4:30 बजे की तस्वीर है, और अगर इसकी आप ऑडियो सुन पाए, इसकी आवाज सुन पाए, तो जरा एक बार केवल तस्वीर आप देखिए। तो यहाँ पर तेज रोशनी जो आपको नजर आ रही है, ये बता रहा है कि जो मिसाइल्स दागे जा रहे हैं शहर कीव के ऊपर, राजधानी के ऊपर, उसको जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है, यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन का, वो उनको तबाह कर रहा है। जो डिफेंस मिनिस्टर है यूक्रेन के, उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे लगातार जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं कुछ मिसाइल को, कुछ मिसाइल उसमें बच जाते हैं जो गिरते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं। एकदम छोटा सा रिएक्शन सर इस पर, और वो जो हूटर आपने देखा, वो तस्वीरें। बिल्कुल, दो चीजें, एक तो हूटर जो आप बता रहे थे, दुनिया में कुछ भी हो, दुनिया की पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन इस तरह की जंग में सफ़र करता है तो आम आदमी सफ़र करता है, बच्चे सफ़र करते हैं, आपने जो इमेजेस दिखाई थी, औरतें सफ़र करते हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ गई है, यूक्रेन के पावलोवका में रूस के सैनिक उतरे हैं। जी हाँ, पैराट्रूपर्स की जो आप बात कर रहे थे, हम जो खबर लगातार बता रहे थे, वो रूस के पावलोवका में अपने सैनिकों को, रूस ने पावलोवका यूक्रेनियन शहर है जहाँ पर सैनिकों को एयर ड्रॉप किया गया है, ये पैराट्रूपर्स हैं जिन्हें ड्रॉप किया गया है, और रशियन मिशन को और एक्सेलरेट करने का ये काम करेगा। ये पैराट्रूपर्स आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, इधर ग्राउंड फोर्सेस आगे की तरफ बढ़ रही हैं अमित जी। और अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूक्रेन के शहर चेर्नोविव में भी रूस का हवाई हमला हुआ है। चेर्नोविव में आज सुबह एयर अटैक हुआ है, और एयर अटैक के बाद सायरन सुनाई दिया है, तो एक दो नहीं, लगातार हम कह रहे हैं कि अलग अलग शहरों पर जो इलाके लगे हुए हैं बेलारूस के साथ, रूस के साथ, तमाम इलाकों में लगातार मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। तो चेर्नोविव में भी एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि हमला हुआ। आपको बताएं चेर्नोविव जो पड़ता है, साउथ में इलाका पड़ता है और ओडिशा के पास है, यानी कि वहां से भी लगातार हमले हो रहे हैं, यानी कि क्रीमिया से अब हमले होने शुरू हो गए हैं।
यूक्रेन में रह रहे अमेरिकियों को अब एक एडवाइजरी जारी की गई है, अमेरिकियों को ये एडवाइजरी कि जितनी जल्दी हो सके वो यूक्रेन छोड़ दें। अब यूएस एम्बेसी ये बात तो कह रहा है, छोड़ना तो बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन छोड़ेंगे कैसे, आपका हवाई यातायात पूरी तरीके से बंद है, एयर ट्रैफिक रोक दिया गया है, ग्राउंड मूवमेंट बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब युद्ध की परिस्थिति में लोग सड़कों से निकले और यदि हवाई हमले हो गए ऐसे में बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। लेकिन एडवाइजरी जारी की गई है, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। रिवने एयरपोर्ट के रनवे पर इस बीच मिसाइल अटैक की बड़ी खबर आई है, रिवने एयरपोर्ट के रनवे पर दो रूसी मिसाइल गिरे हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर। और लगातार हम जैसे बता रहे हैं कि बताया गया कि 11 से जो 12 एयरफील्ड्स है जिनको कल तबाह कर दिया गया था, आज उनके लिस्ट में कुछ और एयरफील्ड्स होंगे जिनको तबाह कर दिया जाएगा। तो एयरफील्ड्स को तबाह करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिससे कि कोई भी विमान है जो यूक्रेन का है फाइटर एयरक्राफ्ट वो रनवे का इस्तेमाल ना कर पाए। और यही वजह है कि कीव के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, अगर कीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छोड़ दें तो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो था हम जिसका कह रहे हैं कि ऑस्टेमॉल जो यहां पर एंटोनोव का एक बड़ा सेंटर भी है उसको भी कब्जे में लेने की बात आ रही है। और रिवने एयरपोर्ट यानी एक एक करके सभी एयरपोर्ट्स को नष्ट किया जा रहा है, जैसे कि हमने मारियोपोलो को भी कल देखा था वहां पर एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था। और जंग के मैदान से एक और नई तस्वीर आई है, इस तस्वीर में रूसी सैनिकों के सामान नजर आ रहे हैं और सैनिकों का जो सामान है इधर उधर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ये जो तमाम आप सामान देख रहे हैं ये रूसी फोर्सेस के सामान है और इसमें हो सकता है कि जो एयर ड्रॉप हुए थे यानी कि जो पैराट्रूपर्स को उतारा गया था उनमें से कुछ लोगों को कब्जे में लिया होगा, उनसे ये तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर यूक्रेनियन फोर्सेज ने हासिल की है। तो कई ऐसे यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो दावा किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से कि उन्होंने 800 रूसी सैनिकों को मार गिराया है उसके ही बाबत ये लगातार हम देख रहे हैं कि सबूत पेश किए जा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर एक बख्तरबंद गाड़ी नजर आ रही है, अगर इसका फ्रंट हम देख पाए तो बता सकते हैं कि ये रशियन है कि यूक्रेनियन गाड़ी है जहां से ये सारे सामान निकाले गए हैं। तो इसमें आप बॉडी आर्मर देख रहे हैं, बॉडी आर्मर के अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि उनके जैकेट्स हैं और ये कुछ और तस्वीर हम देख रहे हैं, शायद ये बंकर की तस्वीर आया हुआ ये एक और अमित लेटेस्ट वीडियो है, ये भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। यूक्रेन में लोगों ने बंकर्स में शरण ले रखी है, ये एक अपार्टमेंट के अंदर की तस्वीर है, अपार्टमेंट के बेसमेंट में लोग छुपे हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए, किसी भी तरीके का एयर स्ट्राइक होता है तो ऐसे में जितने अंडरग्राउंड होते हैं वो बनाए इसलिए जाते हैं। आपको ध्यान होगा जब भारत भी युद्ध में था और राजस्थान की तरफ ये युद्ध झेला जा रहा था, लड़ा जा रहा था, तब इस तरीके के अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार किए गए थे जहां पर लोग अपनी जान बचा सके, वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो इंडियंस है बताया जा रहा है कि जो आप देख रहे हैं जो जिन्होंने बंकर में अंडरग्राउंड में जाके शरण ली है इंडियंस है जिन्होंने ये तस्वीर भेजी है। वहां पर हम जैसे बता रहे हैं करीब 15,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बताया गया था कि आपको शरण लेनी है तो उन्होंने वहां पर बंकर में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।